जब हम नए नए मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, लेकिन एट द एंड हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि कैसे मार्केट में पैसा बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। काफी टाइम बाद लर्निंग वीडियो आ रही है, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है। अगर आप मार्केट में पहली बार नए आए हो, कौन से सेगमेंट से आपको स्टार्ट करना है? क्या वो इक्विटी ट्रेडिंग है, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, या फ्यूचर ट्रेडिंग है? बहुत सारी कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी। पहले बात करते हैं हम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है क्या? आपका पता है जैसे 9:30 बजे से मार्केट खुलता है और 3:30 बजे तक मार्केट बंद हो जाता है, उसके अंदर ही हमें जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ट्रेड करके ट्रेड क्लोज कर देनी होती है। ये होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के ही अंदर आपका आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जिससे हम दिन के दिन भी क्लोज कर सकते हैं एंड पोजीशन को ओवरनाइट भी लेके जा सकते हैं। लेकिन टुडे इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग और कैसे आप एज अ बिगनर इसमें स्टेप इन कर सकते हैं और एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। नाउ अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं और अभी आपके पास कैपिटल भी कम है और एक्सपीरियंस भी कम है, तो सबसे बेटर आपके लिए जो ऑप्शन है वो है इक्विटी ट्रेडिंग। इसमें क्या होगा, आप जो भी स्टॉक चूज कर ले, जैसे मान लीजिए हर सेक्टर के, जैसे बैंकिंग सेक्टर के चूज कर ले कुछ स्टॉक्स, जैसे SBI हो गया, HSBC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कुछ हेल्थ केयर के स्टॉक आप चूज कर ले, उनकी एक वॉच लिस्ट बना ले। ये मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो कि मैंने शुरू में करा था जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, तो इससे आपको एक बेटर वे मिलेगा। अब इक्विटी ट्रेडिंग में आपका क्या है, आप सुबह 9:30 बजे आओगे, 3:30 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपका ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रेडिंग। अगर आपने इक्विटी ट्रेडिंग के ऊपर मास्टरी कर ली, फिर चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग करो, चाहे कैसे भी मार्केट में आप ट्रेड करोगे, हर जगह आप पैसा बना सकते हो अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर लिया है। तो पहला चीज़, आपको इसमें कैपिटल कितना लगेगा। देखो यार, दो चीज होती है, एक ट्रेडर वो होता है जो कि पैसा कमाता है सिर्फ मार्केट से, एक ट्रेडर वो होता है जो नया आता है मार्केट में पैसा सिर्फ सीखने के लिए। तो आई थिंक आप अभी पहली कैटेगरी वाले हो, आप अभी मार्केट में सीखने आए हो। अगर आपका कैपिटल 50,000 से नीचे का है तो आप उससे कभी अर्निंग नहीं बना पाओगे। तो आप ये समझे, जो भी आप कैपिटल ला रहे हो अभी सीखने के हिसाब से ला रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये कैपिटल लाते हो तो उस पर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए और सब पे अपना रिस्क रेशियो रिवॉर्ड क्या होता है जनरल राइटिंग करना शुरू कर दीजिए कि आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस करा, क्या उस पर टैक्स लगा। और आप हमेशा एक टारगेट रखिए कि मंथ के एंड में मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, कि अपनी जो मेरी कैपिटल है उसके ऊपर 3-4% का रिटर्न मंथली बनाना है। अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं तो इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म में आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि हमेशा एक गोल रखने से जो चांसेस होते हैं आप उसे इजीली अचीव कर लेते हो। नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। या जितनी भी ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे जितने भी इंडिकेटर लगा लीजिए, लेकिन एट द एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप मास्टर नहीं कर रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको करना है जो मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बताया, इक्विटी ट्रेडिंग बताया, इससे आपकी हेल्प होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करोगे तो आप जब 6-8 महीने इसे ट्रेडिंग करोगे तो आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल में एक एज मिलेगा। ये चीज आपको एक दिन में नहीं आएगी, एक हफ्ते में नहीं आएगी, धीरे 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 जब आप इस चीज को टाइम दोगे तभी जाके आप इसमें एक प्रोफेशनल में मास्टरी हासिल कर सकोगे। तो ये चीज पेशेंस मांगती है। जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट को दोगे, जितना ज्यादा स्क्रीन आप देखोगे, उतना ज्यादा आप इस चीज में मास्टरी बनाने वाले हो, अपना एज बनाने वाले हो। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और जो कि पैसा नहीं बना रहे हैं, वो उसके लिए एक चीज़ ही आती है, रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, ना तो स्टॉप लॉस रखते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। यार स्ट्रेटेजी हर किसी के पास है। आज आप यूट्यूब पे जाके खोलोगे, सर्च मारोगे इंट्राडे ट्रेडिंग यूट्यूब पे, तो बहुत सारी वीडियोस आपके सामने निकल के आ जाएंगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, मैंने आपको बताया क्या, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप 1:2 या 1:3 तक का टारगेट नहीं ले रहे हो और अपना जो प्रॉफिट है वो कम में काटते हो लेकिन लॉस ज़्यादा में काटते हो, तो वही आपका एक फैक्टर निकल कर आता है, कभी आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छा कर लिया है तो आप 1 महीने नहीं 2 महीने में एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। और रिस्क मैनेजमेंट को आपको हमेशा फॉलो करना है, जो भी आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल से, ट्रेडिंग सेटअप में जो डिसिप्लिन बनाया है उसे हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि जो एक लूजिंग
ट्रेडर होता है जो कभी मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे, वो गलती क्या करते हैं, वो एक महीना पैसे बना रहे हैं, दो महीना पैसे बना रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहां पर वो अपने डिसिप्लिन खोते हैं एंड एट द एंड फिर वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं एंड कैपिटल सारा लूज कर देते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप देखते हो दूसरे लोगों को कि यार उसने ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी अच्छा बना लिया, ट्विटर पे यार काफी ज्यादा लोग पैसे बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप क्या करोगे, अपने डिसिप्लिन तोड़ के आप भी दूसरे सेगमेंट की तरफ भागोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना जब तक भी आपको नहीं लगता कि हाँ इस चीज में प्रॉफिटेबल मैं हो गया हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल आपको लगता है कि मुझे अब एक साल हो चुका है मैं इसमें प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, तो तब भी आप दूसरे सेगमेंट में एकदम से मूव ना करें। पहले आप क्या करें, जिस सेगमेंट में हो उसकी कैपिटल बढ़ा दें और तब जाके उसमें अगर आपको वहाँ पर और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तब जाके आप सेगमेंट चेंज करें। ये नहीं कि यार आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो नहीं रहा और बोल रहे हो कि भाई यार उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, उसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो आप दूसरी साइड स्विच कर जाओगे। क्योंकि हर एक ट्रेडिंग का अपना एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग तरफ जाते हो वहाँ पे रिस्क रेशो रिवॉर्ड हाई होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उसमें लॉस भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है और कैपिटल खोने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, पहले आपको एक सेगमेंट में मास्टरी कर लेनी है, क्योंकि इससे ही आप एट द एंड पैसा बनाने वाले हो। नाउ कम टू द एंडिंग पॉइंट, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, या ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजी भरी पड़ी है यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे, लेकिन अगर आपका सेटअप पे जैसे मान लीजिए बैक टू बैक 4 से 5 ट्रेड्स ऐसी आ रही हैं जहाँ पे आप लॉस कर रहे हो, तो कभी ये ना सोचे कि यार कभी ये ना सोचे यार स्ट्रेटेजी बेकार है मैं चेंज कर देता हूँ। जब तक आप उस पर 2 से 3 महीने या 1 महीने भी मिनिमम काम नहीं कर लेते तब तक आपको स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वीवैप हो गया, मैगडी हो गया या प्राइस एक्शन पैटर्न स्ट्रैटेजी हो गया, कोई सी भी स्ट्रैटेजी को लेकर आप काम कर सकते हो, मार्केट में ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन आपको 1 महीने कम से कम उस पर रेगुलर ट्रेडिंग करना है, हर दिन जब भी मार्केट खुलता है उससे पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करते रहोगे जब मान लीजिए उस पर लॉस आ रहा था, बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक आ रही थी, तब तो आप उस पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जब उस स्ट्रैटेजी का विनिंग स्ट्रीक आने वाला था आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है और अब जो स्ट्रैटेजी आपने चेंज करी है उसमें भी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, तो ये साइकिल आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमेशा पहले एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर लें तब जाके उसे चेंज करें अगर वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देती है। आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।